हाय फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। आज हम लोग 15 मार्च को पटवारी एग्जाम में आए हुए मैथ्स के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं और आगे भी इसी टाइप के और क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस हमें कितनी करना है। ठीक है, तो आप लोग देखिए किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस। क्वेश्चन आया था एम का 60% इक्वल टू एन का 50% और एन इक्वल टू एम का एक्स परसेंट। तो x का मान याद करना है आपको, यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करना है। देखिए कितना सिंपल सा सवाल है, आप यहाँ m और n का रेशियो निकाल लीजिए, m इंटू 60/100 और n इंटू 50/100। 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, m अपॉन n हो जाएगा 5/6। अब आप सीधे यहाँ जाइए x पे, n इक्वल टू m इंटू एक्स बाई 100। ठीक है, आपको x की वैल्यू चाहिए और आप यहाँ पर m और n का आपका जो रेशियो आया है वो क्या होगा, 5/6। यही वैल्यू आप यहाँ उठाकर यहाँ पर रख दीजिए, n की वैल्यू है 6, m की वैल्यू 5 रख दो, x अपॉन 100, ये 20 टाइम्स कटेगा और 20 का क्रॉस मल्टीपल होगा, x की वैल्यू आ जाएगी 1/20। ये तो आपसे पूछा था x परसेंट कितना होगा, तो 120% हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया आपको समझाने के लिए डिटेल में क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन को आपको आंसर को सेकंड में देना है तो आप देखिए कैसे दे सकते हैं। आप यहाँ से m, ये 6m इक्वल टू 5n आएगा, यानी कि m इज टू n आएगा 5 इज टू 6। ठीक है, अब पूछा है कि m का कितना परसेंट, m का x परसेंट n है, यानी कि m का कितना परसेंट n होगा। तो आप यहाँ पर देखिए बहुत साधारण सा आंसर है, m का n क्या है 5 और 5 से कितना अधिक है 1 प्लस है ना। ठीक है, तो 1 की वैल्यू 5 पे कितने परसेंट होती है, 20% और 100% तो 5 ऑलरेडी है ही, तो कितना हो जाएगा 120%। या फिर आप डायरेक्ट क्या करिए, आपको n को चेक करना है तो 6 5 पर कितने परसेंट है, देख लीजिए यहाँ सीधा 120% आंसर आप दे सकते हो। सेकंड लगेगा इस क्वेश्चन का आंसर देने में, आपको वो सब कुछ नहीं करना था, सीधा m और n का रेशियो आपने देखा 5:6 आएगा। तो आपसे पूछा है m का कितना परसेंट n होगा, तो n कितना है 6, किसका m का, तो m क्या है 5, तो 6/5 × 100 के लिए केवल इतना करना था आपको क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, आंसर हो जाएगा जी 40 दिन में समाप्त कर सकता है। ए बी सी तीनों मिलकर उस कार को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, इससे ज़्यादा साधारण क्वेश्चन कुछ होता ही नहीं है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ए 15 दिन में कर सकता है, बी 20 दिन में कर सकता है और सी 40 दिन में कर सकता है। तो आप यहाँ देखिए तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो इनका आप LCM निकाल लीजिए, तो 40 20 और 15 का LCM क्या होगा, तो 40 80 और कितना 120, इसका LCM हो जाएगा 120 और 15 का आप यहाँ भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा 8 बार, 20 का भाग 6 बार जाएगा और 4 का यहाँ 3 बार जाएगा। ये तीनों की क्षमताएं हो गई हैं, जब तीनों मिलकर इस काम को करेंगे 120 यूनिट को, तो 8, 6, 14, 3, 17 यूनिट काम हो पाएगा आपका एक दिन में। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में काम करेंगे, तो 120/17 डेज में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए किसी कार को 15 दिन में, बी ये तो वही क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, बी और सी मिलकर 15 दिन में, सी और ए मिलकर
सी और ए मिलकर 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ए और सी मिलकर कुल कार्य का 3/5 भाग कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए यहाँ पर आप सीधे एलसीएम निकालिए तीनों का, 20, 15 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 60, 12 पंचे 60, 15 चौके 60 और 20 दिया 60, ये क्षमताएँ हो गई दो दो की, ए प्लस बी, बी प्लस सी की क्षमता 4 है, सी प्लस ए की क्षमता 3 है। चलिए हमसे क्वेश्चन किया गया है कि ए तथा सी मिलकर कुल कार्य का 3/5 भाग कितने दिन में समाप्त करेंगे। अरे सॉरी, इस क्वेश्चन में आपको ये करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप देखिए यहाँ कुछ बच्चों ने ये किया होगा, इसकी ज़रूरत भी हमें नहीं है। हमसे पूछा गया है कि सी और ए मिलकर कितने दिन में करेंगे, सी और ए मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, सिर्फ हमें इससे मतलब है एक पूरा कार्य 20 दिन में समाप्त होता है ए और सी के द्वारा, तो 3/5 काम कितने समय में समाप्त होगा, तो 20 इंटू 3/5 से इसमें गुणा कर दो, 5 × 20 कितना दिन लगेगा, 12 दिन में काम पूरा समाप्त हो जाएगा। सिर्फ आपको इतना करना था, इस सवाल में एलसीएम वगैरह कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक लाइन का सवाल है, एक काम 20 दिन में होता है तो 3/5 काम कितने समय में होगा, 3/5 समय में हो जाएगा, तो आप दिनों का 3/5 निकाल दीजिए, क्या आ जाएगा, 12 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितना आसानी से ये सवाल सॉल्व हुआ है, बाकी हमें ए और बी, बी और सी से कोई मतलब नहीं है सवाल में, सिर्फ हमें सी और ए का टाइम दिया है टोटल, तो हम सी और ए का 3/5 भाग निकाल लेंगे, तो कितने दिन में होगा, 12 दिन में। क्या है 52 ताश के, ये देखिए प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आया है, 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी से यादृच्छिक दो पत्ते निकाले जाते हैं, दोनों पत्ते काले रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, 52 पत्तों की ताश की गड्डी में जो काले पत्ते होते हैं वो टोटल होते कितने हैं, तो आधे 26 काले पत्ते होते हैं और 26 लाल पत्ते होते हैं, तो आप सीधा देखिए 26 में से दो पत्ते निकालना है, तो 26 C2/52 है, फेवरेबल आउटकम्स आपके जो होंगे वो 26 C2 और टोटल आउटकम्स होंगे 52 C2। चलिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 26 × 25 यहाँ वाला नंबर देखा करो क्या है, 2, तो आप सीधे ऊपर वाले नंबर को फैक्टोरियल में 2 तक ही तोड़िए, तो 26 × 25/2 फैक्टोरियल को 2 ही लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर 52 है तो 52 × 51, यहाँ फैक्टोरियल 2 ही है तो 2 ही आएगा। ठीक है, आप सीधा ये वाला नंबर देखा करो, जितना नंबर हो वहाँ तक ऊपर वाले नंबर को फैक्टोरियल में क्रॉस करते जाइए, तो चलिए 2 से 2 ये कट जाएगा, 26 से ये 2 बार कट जाएगा, अब आपका आंसर आ गया 25/102। ठीक है, 25/102, ठीक है ना, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग देखे होंगे, आप सीधे सीधे सेकेंडों में क्वेश्चंस के आंसर करते जाएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन आए हैं आपके एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख, चलिए एक क्वेश्चन है आपका, ए अनुपात बी 3:4, बी अनुपात सी है 2:5 और सी अनुपात डी है 4:3 और डी अनुपात ई है 5:2। तो देखिए 5:5 तक आपको निकालना है, तो सीधे लिख लो ए बी सी डी और ई, ए और बी का रेशियो कितना दिया 3:4, बी और सी का रेशियो कितना दिया 2:5, सी और डी का रेशियो है 4:3 और डी और ई का रेशियो है 5:2। तो यहाँ क्या करिए आप, आपने ये सारे अनुपात लिख लिए चारों के चारों, अब यहाँ पर 4 के बाद इधर पीछे जो अगर रिपीट करना है तो ये वाला अंक रिपीट कर दीजिए और आगे जब रिपीट करो तो आगे वाला अंक रिपीट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ 3 बचा, यहाँ 5 5 और 5। ठीक है, आगे आगे वाला अंक और पीछे पीछे वाला अंक रिपीट करना है, इन सब का गुणा करते जाओ, 4 × 20 = 40 दिया 120 आएगा ये, और 5 × 20 = 40, 40 × 160 आ जाएगा ये,
और ये आपका पाँच चौको 20, 20 बन जाए 100, जो 400 आएगा, ये आपका 25 दिए 75 चौको 300 आएगा, ये पाँच चौको 20 दिए 60 दूने 120 आएगा, 0 0 0 कैंसिल करो, दो से काट दो तो 6 8 20 15 6, ये आपका रेशियो पाँचों का आ जाएगा ए बी सी डी ई का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। एक आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, दूसरा आदमी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, देखिए एक आदमी 20 दिन में और दूसरा आदमी 15 दिन में, ठीक है, तो 20 और 15 का एलसीएम 60 हो जाएगा, ये 3 ये 4, ठीक है। चलिए तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 60 यूनिट काम है, दोनों मिलकर करेंगे तो 7 से भाग दे दो तो 60/7 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फटाफट से। ए बी किसी काम को 24 दिन में, बी और सी 36 दिन में, ए और सी 12 दिन में, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। देखिए यहाँ पे एक सेकेंड में आंसर आएगा इसका। ए और बी काम करते हैं 24 दिन में, बी और सी करते हैं 36 दिन में, सी और ए मिलकर करते हैं 12 दिन में, ठीक है। तो आप देखिए 36, 24 और 12 का एलसीएम क्या होगा, 72 हो जाएगा, 72। तो 24 दिया 72, 36 दूनी 72 और 12 छ 72, ये तीनों की अलग अलग क्षमता आ गई है, यानी कि ए और बी की क्षमता है 3, बी और सी की 2, ठीक है, और सी और ए की 6 है। पूछा है तीनों मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे, तो आप बताइए 72 यूनिट काम है और तीनों मिलकर करना है, लेकिन जब आप इन तीनों की क्षमता को जोड़ दोगे तो 2ABC हो जाएगा कि नहीं, 2A+B+C, तो 3 2 5 6 11, कितना क्षमता हुई इन तीनों की, 2ABC की 11 यूनिट। तो अब ये 11 यूनिट 2ABC की क्षमता है, लेकिन हमें निकालना किसका है कि ये तीनों अकेले कितने समय में करेंगे, दो नहीं, ठीक है। तो या तो यहाँ 2 का गुणा कर दीजिए, काम को डबल कर दीजिए, या ऐसे समझ लीजिए कि आप क्षमता को आधा करोगे तो 2 का ऊपर गुणा हो जाएगा, तो कुछ भी समझ लीजिए, ठीक है। तो 72 दूनी 144/11 डेज में काम को पूरा कर देंगे, ठीक है।